देवरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में नहीं थम रहा है बाघों की मौत का सिलसिला। आज फिर मादा बाघ शावक की मौत झोरझोरा कुंड के पास हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि इसे बजरंग मेल टाइगर द्वारा मारा गया है। यहाँ लगातार हर मौत के बाद प्रबंधन द्वारा आपसी लड़ाई का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में तो लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से हम अपने देश व परिक्षेत्र में विलुप्त हो चुके दुर्लभ प्राणियों को दोबारा से बसाए जाने की कवायद में लगे हैं, उसी तरह आने वाले समय में बाघों के लिए सोचा जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं कि देश में बाघों की वृद्धि की रफ्तार में कमी आई है, जो चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ तो केवल और केवल नौकरी की जा रही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जानवरों के शिकार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, किंतु इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस समय बांधवगढ़ में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और एसटीएफ की टीम मौजूद है, जो कि लगभग 4 माह पूर्व हाथी को जलाए जाने वाली घटना में जांच रिपोर्ट के बाद पहुंची थी। वह भी पूरे परिक्षेत्र को टटोल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे वरिष्ठ लापरवाह अधिकारियों को आखिर कौन बचा रहा है। वंदे भारत के लिए उमरिया से अरुण द्विवेदी की रिपोर्ट।